टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, ये ब्लॉग सीधा स्टार्ट हो रहा है दिल्ली से। मैंने मतलब कि आने का नहीं बनाया था, डायरेक्ट दिल्ली पहुंचने के बाद ब्लॉग इसको स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों ने मेरा स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैंने डाला हुआ था कि जो स्टॉक पे मैं जल्द जाने वाला हूँ, एंड जो स्टॉक पे अभी मेरा इंटरव्यू है कल के डेट पे। मैं एक दिन पहले ही आ गया हूँ यहाँ पर, मुझे एक दिन रुकना है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ अमृतसर के स्टूडियो पे, आई होप आप लोग जानते होंगे महात्मा जी टेक्निकल, उनके स्टूडियो पे जाकर के अभी मुझे जाना है। उनका स्टूडियो को पूरा रिव्यू करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि बहुत बड़ा ही मतलब उनका सेटअप है सारा, बहुत सारा टीम वगैरह काम करते हैं, वो सारा देखना है। एंड उनके साथ चलिए मिलते हैं, फर्स्ट मीटअप है। बहुत बार वो बोलते रहते थे कि जब आप आते हो तो आप क्यों नहीं मिलते हो, तो मैंने बोला चलो इस बार एक दिन पहले चलते हैं, अमृतसर से भी जाके मिल लेते हैं। चलिए अभी उन्हीं का स्टूडियो जाएंगे कैब करके। फिलहाल अभी हम लोग प्रिंस का वेट कर रहे हैं, प्रिंस दूसरे ट्रेन से आ रहा है। एक ट्रेन में तो ही टिकट हम लोग को मिला था, वो उसका दूसरा ट्रेन में हो गया था। मेरे साथ हेमंत आया हुआ, तो प्रिंस अभी आ रहा है। प्रिंस 30 मिनट के बाद अभी जो है वो आ जाएगा, अभी हम स्टेशन पर उसका वेट कर रहे हैं। तो वो जैसे ही आता है यहाँ से कैब करेंगे और चलेंगे सीधे अमृतसर के स्टूडियो पे। तो बस कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, देखते रहना। गाइस, एक घंटा से भी ज्यादा वेट करना पड़ा, इसका ट्रेन और भी ज्यादा डिले था, हम लोग का तो थोड़ा डिले था, अभी आया है। चलो वेलकम टू दिल्ली। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पी रहे थे, बैग वहाँ रखा हुआ है और कैब हमने बुक कर दिया है। चलते हैं डायरेक्ट महात्मा जी अमृतसर के स्टूडियो पे, एंड वहीं पे जाके मिलते हैं। तो चलिए, हमारी यहाँ पर कैब आ गई है, बैठते हैं यहाँ पे, निकलते हैं सीधे गोविंदपुरी। अभी है हम लोग अमृतसर के स्टूडियो पे, और ये देखिए इनका ये वाला है मेन स्टूडियो जहाँ पर इनका वी मेक क्रिएटर वाले चैनल पर वीडियो बनता है। तो मैं भी थोड़ा अपने यहाँ पर सर से आइडिया ले रहा था, आप लोगों को पता होगा मैंने भी तो डिजिटल बोर्ड लगवा लिया है, लेकिन मेरे से लाइट सेटअप नहीं हो पा रहा कि कैसे क्या लाइट लगाना। तो आप लोग भी थोड़ा देख लो, वीडियो से आइडिया मिल जाएगा। आयो अगर आपने कभी अगर लगाओगे आप लोग तो देखिए, पहले तो नीचे दो सॉफ्ट बॉक्स है और एक ऊपर में सीलिंग पे लगा हुआ है। तो ये तो मैं अभी चलिए घर जा करके ट्यूबलाइट वगैरह लगवा लूंगा, बाकी ये पास मेरे पास है ऑलरेडी सर, दो सॉफ्ट बॉक्स है, बाकी ये रहा अपना मैक्सम का ही सर का भी है, परेशानी के दौरान में बनाया था। लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है मतलब, और हाँ किसी के लिए हेल्प हो जाता है। हाँ। जैसे सर ने जब लिया था तो इनको तो पता ही नहीं था कुछ, है ना, कुछ भी नॉलेज, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, ऑर्डर कर दिया होगा कि चलो बनाएंगे। सेल्समैन था, उससे बात अच्छी हो गई, और हमें ऐसा लगता है कि एज अ यूट्यूबर हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, है ना। आपको मैंने बोल दिया था, जो मैंने लिया ना जो सही चीज देना, अदरवाइज फिर समझ लेना। जब हम यूट्यूब प्रोफेशन में, तो हमें लगता है यार कोई भी हमें ना 20-30-50 हज़ार 1-2 लाख में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, जानता है कि भाई गड़बड़ करूंगा मेरा करियर में दिक्कत आ जाए। तो हम लोग तुरंत पैसा दे देते हैं, लोग सोचते ना भाई एडवांस देना, हम लोग दे देते तुरंत, लेकिन लेने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई जब लाइटिंग नहीं आ रही, फ्लिकरिंग आ रही है। सर के स्टूडियो पे देखिए चारों तरफ व्हाइट व्हाइट कार्डबोर्ड टाइप का लगा हुआ है ना, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, मतलब खूबसूरत लग रहा है। इसके पीछे जो है वो ग्लास वुल हमने भर दिया है, ग्लास वुल अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट दिखा सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है एसी की जस्ट कोने में, ये येलो कलर का आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो ये ग्लास वुल कहते हैं सर इसको, रुई टाइप का है, रुई से भी सस्ता क्वालिटी है, मतलब रुई तो बहुत महंगा क्वालिटी हो गया, रुई से सस्ता क्वालिटी है ग्लास वुल। तो इससे क्या ना आवाज छेद के अंदर से जाती है अंदर, इससे अंदर का जैसे अगर आप देख रहे हो इसमें कैमरे में ना आवाज धीरे रिकॉर्ड हो रही होगी, मतलब यहाँ से ना ऑब्जर्व कर रहा है, आवाज दबा ले रहा है, एको नहीं आ रहा है, एको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो ये इसके अंदर आवाज आती है और रुक जाती है। ये तो हो गया मेन स्टूडियो, अभी आप लोगों को पूरा मैं दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे अपना इसमें लाइटिंग आप ऊपर अगर आप देख पाए तो लाइटिंग जो है तकरीबन ऊपर भी बहुत सारी लगा दी है, लाइट पे भी आप कुछ वीडियोस वगैरह बनाते क्या? ये बैकग्राउंड रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी आप आए हैं, अभी आपके साथ एक इंटरव्यू होगा, अपना एक रखूंगा मैं आपका कि आपके ओपिनियन, तो यहाँ पे मान लीजिए अपना सेटअप कर लिए, यहाँ पे टेबल्स लगा लिए, पीछे बैठ गए, दो डॉक्स की दो लाइटें हैं इधर अपना, बाकी लोग मोटिवेट होते रहेंगे ये सब देखकर। हाँ मतलब हमारे देश की सर रतन टाटा की लाइक इनकी, इनके बारे में हर कोई पढ़े, जो भी आपके व्यूअर्स हैं पढ़े देश के, मतलब हम हमेशा ज्यादातर इलॉन मस्क के बारे में है ना इनसे इंस्पायर होते हैं, बट सर रतन टाटा के बारे में जो आप पढ़ेंगे आपको लगेगा इन्होंने देश में वेल्थ क्रिएट किया है, हर चीज पहले लाई है, दिमाग लगाना पड़ता है, देश से जुगाड़ से चलता है।
ये बात तो आपने बिल्कुल राइट कही कि जीवन में आप सोचेंगे कि हर चीज परफेक्ट हो जाए, कभी नहीं हो सकता है, जुगाड़ तो हर जगह करना पड़ता है। काफी सारा आइडिया मिल गया घर जाके। बाकी गोडॉक्स की वो लाइटें ठीक नहीं है, लेकिन ये लाइट बहुत बढ़िया है। ये तो है बहुत अच्छा। मतलब सर जितना कमाते हैं उतना तो इन्वेस्ट ही कर देते हैं। हाँ मतलब अल्टीमेटली कितने का होगा आपका स्टूडियो बताइए, ये वाला स्टूडियो टोटल खर्चा अभी तक इस सिर्फ इतने जगह की बात करूँ ने पूरा ये वाला अभी पूरा दिखाएंगे। अच्छा पूरी बिल्डिंग का मैं चाहता हूँ कि जो लोग स्टूडियोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि अल्टीमेटली अगर आप जो मैंने खर्च किया इक्विपमेंट्स को लेके तकरीबन इसमें मेरे ख्याल से 15-20 लाख के बीच में सिर्फ इक्विपमेंट्स लग गए हैं, है ना, अल्टीमेटली सारा कुछ बनवाने में और सारा कुछ करने में तो 15-20 क्या चीजें लग गई। बड़ी महंगी आती है, मतलब मैंने तो जीवन में घर भी नहीं बनाया था। लेकिन अब देखिए ये स्विच बोर्ड कहाँ से आएगा, हैवेल्स का आएगा, केबल तारे जो है वो 4 mm की, 16 mm की, मतलब जब आप खुद कोई काम करते हो ना उसका मजा आता है। आज सुबह बैठा था, मनोज ऊपर चलना है मेरे ना ऊपर गार्डन में ना वो एक गमला लगा उसमें टमाटर आया हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा टमाटर खरीद के ला के रोपता वो और जो खुद के लगा के उगाया है वो फर्क होता है। तो YouTube पे जो लोग चैनल वाले ने खरीदने की बात करते हैं मजा नहीं आएगा यार, है ना, खुद मेहनत करके ग्रो बनाओगे उसका ज्यादा मजा है। वही इतना है चल रहा। बाकी कैमरे के लिए सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है यहाँ पे, ये साउंड भी रिकॉर्ड करता है तो कई बार कैमरे से ना हो तो इससे भी कर लेते हैं। हाँ इसमें साउंड भी रिकॉर्ड होता है क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी है। हाँ सेफ्टी भी जरूरी है। सर का भी वीडियो शूट हो रहा है गिम्बल से। अच्छा हाँ तो ये अपना इधर चीजें चल रही होती है। हम लोग तो देखो क्रिएटर है मनोज भाई तो मैं कर भी नहीं पाता हूँ इसके लिए। इनसे ही सीखूंगा व्लॉग चैनल पे, अपने चैनल पर रेगुलर, और ये तो बहुत ही मोटिवेशन है। मतलब काफी छोटे हैं मेरे से, अभी आपकी एज कितनी है मैं पता नहीं मिला 24 तो मेरे से 7 साल छोटे हैं, मैं 31 क्रॉस हो रहा हूँ और मैंने इनको वाकई ग्रो करते हुए देखा है अपने आप को, तो फील वेरी प्राउड। मतलब ठीक है कोई वीडियो से कई बार मैं इनको बंदूक तान देता हूँ, कई बार ये मुझे हैंड ग्रेनेड तान देता है, तो वो सब देखिए सब पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक मैं इनकी कमी और ये मुझे कमी नहीं बताएंगे हम लोग ऐसा आए थे। लेकिन कोई बताने वाला भी होना चाहिए उससे लोग सीखते ही जी। लेकिन बहुत प्राउड महसूस होता है कि मैंने इनको देखा और ये ग्रो कर रहे हैं, और खासकर बिहार झारखंड हम क्लोज के ही लोग हैं तो खासकर वो चीज़ से लोग जो बाहर निकलता है तो बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। मैं आपको सच बताऊं तो ये अच्छा लगा मुझे। वीडियोस में काफी दिनों से देखता था महात्मा जी टेक्निकल पे जब सर वीडियोस बनाते मोटिवेशन देते थे, मोटिवेट होते थे। मेरा तो 10 साल करियर पढ़ाने में रहा है, पढ़ाता ही था पहले, टीचर ही थे। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को आगे। ये कुछ ये तो मेन हो गया जहाँ पर ये वीडियो बनता है जी। इधर अगर मैं बात करूँ तो एक किचन है अपना, इधर एक किचन है ऊपर के लिए हम लोग अपना किचन में रखते हैं। थोड़ा तो मैसेज आओगा वो सारी गलती इनकी है। अभी ये है और थापा भाई है एक और, वो दोनों मिलके लगे रहते हैं। अभी जो हमें दे सैंडविच वैंडविच खिलाया वो सब रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। ये अपना एक छोटा सा इधर मेकअप रूम बना दिया, पता नहीं क्यों बनाया। कुछ काम नहीं होता है इसमें, सिर्फ स्टोरेज का लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है। तो वीडियो बनाने से पहले थोड़ा मेकअप कर लिया, कुछ नहीं करता मैं, वीडियो वायरल होता है। ये ट्रिक है सर। अच्छा थोड़ा सा पाउडर वाउडर मारिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। इधर अपना जो है 4 लोग बैठते हैं एडिटिंग के लिए, सचिन है, जतिन जो कैमरा के पीछे है, इधर अपना अश्विन है जो काफी टाइम से मेरे साथ है, और बाकी लोग नीचे बैठते हैं। आज कोई ऊपर से ऑफ तो नहीं है, ऊपर से ऑफ भी नहीं है। तो यहाँ पे अपने 3 लोग बैठते हैं प्रॉपर, और इधर वॉशरूम है तो उसको नहीं दिखाना। तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज के लिए सब अपनी जरूरतों के लिए चीजें बनाएंगे सर। आ जाते हैं एक बार इधर। हाँ ये मुद्रा जी का पेंटिंग्स देखिए, पेंटिंग्स ये देखा मैंने जब ऊपर आया तभी मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब एक अलग सा वाइब आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है। हाँ तो शांति का प्रतीक है तो ये अच्छा लगा। ये हमारा टेक्निकल गुरुजी के साथ मेरा और गौरव चौधरी जो हम लोग गए थे रायपुर में हुआ था हमारा इवेंट, 5,000 यूट्यूबर हम लोगों ने तीनों ने मिलके बुलाए थे। देखिए जगह जगह पे ये मेरी बेटी है उसको पेपा बहुत पसंद है, तो बेटी के लिए मैंने पेपा लगा दिया, क्या है खुश हो जाती है वो देख के। यहाँ मनोज भाई ने अपनी जर्नी थोड़ी सी लिखवा रखी है जो अगर आप देखें 100 सब्सक्राइबर 2016 में था, देखिए 2017 का 7 जुलाई में हो गया 7 लाख, और 2017 में ही 1 मिलियन एक साल से थोड़ा पहले 10 महीने के अंदर ही निकल गया था।
पहली बार किसी लड़की ने सेल्फी लिया था इस दिन आके जीवन में लगा था यार ये क्या हो रहा है। आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। देखो हम लोग इतने सुंदर तो है नहीं भैया, नॉर्मल ही है। मेरा दोस्त जो है वो निखिल बड़ा हैंडसम दिखता है मतलब। तो आप सोचो ना जब दो लोग चल रहे होते तो ऑब्वियसली बात क्या होती है, किसी कोई नजर भी देखेगा तो हम जैसा कौन देखेगा, उसको देखेगा। लेकिन वो लड़की गले मिल रही है उस टाइम तो लोग सोच रहे भाई इसको क्या क्या हो गया भाई। तो जीवन में पहली बार अजीब सा लगा तो वो ये दिन थे। वो मैंने कहा चलो लिखना है। फिर मीटअप किया था दिल्ली में पहली बार, वो देखा था, अखबार में नाम आया था, फैन फेस्ट हुआ था, घर लिया था। ये सब चीजें थोड़ी सी लगा दी है इधर और इधर नीचे भी आए बैठ कर नीचे सर। तो यहाँ पे यहाँ वो लोग बैठते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, तो बाहर बैठते हैं वो सीखने के लिए कुछ। सीखने के लिए दो तीन लोग यहाँ बैठते हैं, वो कुछ ऑफ पे है उनका। और इधर जो है वो मनोज बैठते हैं मेरे मित्र हैं। तो इनको मैंने कहा आप हमारे साथ आ जाइए, जैसे आपके दोस्त पीछे बैठ के आपके साथ है वैसे। उधर संजय जी बैठते हैं तकरीबन 3 साल से हमारे साथ, वो मेरे जीजा है। उधर बैठते तो वो अकाउंट्स के साथ लोग बैठ के लिखते हैं प्रॉपर, क्योंकि फोन भी आया था आपके सामने तो वो उधर बैठते थे। वो ऑफ पे उनके घर पूजा है। इधर जो है ये लोगो आपको बड़ा अट्रैक्ट, ये महात्मा जी टेक्निकल का लोगो है जो सर का मेन चैनल महात्मा जी टेक्निकल चैनल का। ये लोगो लाइट्स ऑफ हो गया सर, मैंने ऑफ कर दिया, क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई है और अब करूंगा तो अच्छा है। ये देखिए देखने में ये अच्छा लग रहा है, कैमरे में अब अच्छा लग रहा होगा, लाइट जलने पे आंखों से अच्छा लगता है। तो ये उनमें थे तो उनसे बनवा लिया था। इधर अपना ये सारी चीजें हैं, इधर अपना इधर आ जाते हैं पहले। यहाँ पे ये अपनी पूरी टीम यहाँ बैठी है। इधर अंकित है, 4 सालों से मेरे साथ हैं। और अंकित ने आपको बहुत देखा हम सब एक्चुअली क्रिएटर ही हैं, तो दिन भर हर एक वीडियो उसको सर्च करना। बासु सचिन और इधर पूरी टीम, हम सब तकरीबन 3 साल पुराने हैं मतलब। जिन पे भी हाथ रखे सर इसका रेट बताइए इनका, तो वो 4 साल पुराने होंगे। सुरेंद्र मैम, संध्या मैम, सब साथ में, कोमल और मायश, हम सब लोग जो हैं यही बैठ के लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन साथ ही रहते हैं। तो इधर और सब आपको तो हर कोई यहाँ पे जानते हैं राइट। कई लोग हमें भी फोन करते हैं, हमने मनोज की वीडियो देखी है तो ऑब्वियसली उनको बैकअप कर, हाँ हमारे साथ के हैं, हम भी साथ काम कर रहे हैं। तो ये अपना यहाँ पे हम वर्क करते हैं इधर सपोर्ट अपोर्ट के लिए। तो जो लोग कहे देखिए सपोर्ट के लिए हम लोग लगे रहते हैं यहाँ पे। इधर की जो पूरी टीम है, ये वाली जो पूरी टीम है, इधर सपोर्ट पूरा सपोर्ट, इधर पूरा सपोर्ट। तो इधर हम लोग पूरा लगे रहते हैं इन चीज़ों में कि कैसे किया जाए। फिर भी सपोर्ट तो कभी खत्म नहीं होता, मैं आपको सच बताऊँ। इतना ज्यादा आता है कि मतलब 100% तो मैं नहीं दे पाता, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं कि जितना हेल्प आउट कर सके उतना करें यहाँ से हर चीजों पे लग के। तो इधर अपना ये है, बाकी इंटरनेट के लिए सारे बूस्टर उस्टर लगाने पड़ते हैं क्योंकि नेटवर्क आते नहीं है, स्लो है ना। हाँ तो इसलिए सब कुछ लगा के अपना कर रहे होते हैं। ये कुछ एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है थोड़ा, हम लोग मीटिंग वेटिंग करें कुछ चीजों पर रहता है डिटेल यहाँ पे अपना, ये सारी चीजें रहती है। बताइए मेरा स्टूडियो एक ही रूम पे ऐसा कुछ नहीं है, कितना रूम देख लिया। मेरा स्टूडियो रूम भी नहीं था, हम लोग मैं अपनी वाइफ बच्चे पापा एक रूम में थे। ठीक है ना, मैं थोड़ा पहले आया तो मैंने पहले चीज किया। अभी इन्होंने अपना घर लिया है, अभी वो बनाएंगे। मैंने इनके ऑडियो में सुना है कि इन्होंने बहुत बड़ा स्टूडियो भी बनाना है, ओपन स्टूडियो में एक वीडियो देख रहा था इनका। ऐसा नहीं है, तो बनेगी ना, धीरे धीरे चीजें आएंगी। इट्स टेक टाइम, हर चीजों में समय लगता है और बहुत अच्छा चीजों को इस्तेमाल करते हैं। हाथों से किया, ऐसा लगा जैसे अभी तो फिलहाल थोड़ा सा आप सबको बताइए इसको करने में कितना मेहनत लगा होगा, कितना साल का मेहनत लगा होगा। सामने आके सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद एक सपना देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन। मतलब छोटे विजन आप देखोगे तो आप मनोज देव, अमरेश भारती नहीं बन पाओगे, मैं आपको क्लियरली मेंशन करता हूँ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशियाँ ढूंढ लोगे, थोड़ी चीज़ें मिली वहाँ शिफ्ट कर गए, वहाँ शिफ्ट करके नहीं मिल पाएगा। एक लंबा विजन देखिए, और पैसे तो CRs में लग ही जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं क्या बोलूँ। बट जो लोग समझते हैं वो चीज़ें एक ही चीज़ का देखेंगे तो बहुत खर्चे हैं। जैसे प्लांट ही देख लीजिए, छोटे से प्लांट है लेकिन इसी में तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये लग गए दिल्ली में ऐसे टेक केयर करने में सारी चीज़ें। लेकिन इसका मजा है अपना, तो काफ़ी मेहनत लगा है, इसीलिए मैं ऐसे वीडियोज ही बनाता हूँ ताकि आप लोग भी इंस्पायर होइए। अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलता हूँ जिनका इंस्पायरिंग स्टोरीज भी रहता है। ठीक है, मैंने सर को देख के भी काफ़ी ज़्यादा मैं भी इंस्पायर हुआ एक टाइम पे,
और अभी भी देखता हूँ रेगुलर, सारे वीडियोस मुझे पता है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर आपने ड्रोन उड़ाया था मतलब मैंने देखा है, प्रूफ हो गया वो चीज़ भाई। तो काफी अच्छा लगा मिलके सर से, बहुत दिनों से हम लोगों का मिलने का प्लान चल रहा था बट फाइनली हम लोग मिल लिए। तो ये ब्लॉग पूरा जो है सर का स्टूडियो का ही था, बाकी देखते हैं आगे जो कुछ हो। लाइक कर देना वीडियो, थैंक यू सो मच। और वहाँ पे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन उसको लगा दो। और मेरे चैनल के लिए भी भूल दीजिए सब्सक्राइब कर दें, आपके बड़े फैंस हैं यहाँ भी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन।